आज वर्तमान परिवेश में समस्याएं बहुत हैं, सभी को समस्याएं हैं। सारे दल चिल्ल को करते हैं हारने के बाद कि ईवीएम से बेमानी हो गई, ईवीएम से बेमानी हो गई, हमारे लोगों की वोटें चोरी हो गई, हमारा दल हार गया। लेकिन उसके लिए लड़ाई को कोई नहीं लड़ने का काम करता, क्यों नहीं करता है? जो आय से अधिक संपत्ति रखे हैं और इसके अलावा वो अपने महापुरुषों के विचारों पर जो है अध्ययन नहीं किए, विचारों पर बताए हुए रास्ते पर चलने का काम नहीं किए। मानवर कांशीराम साहब ने बिना जेब के, बिना जमीन के समाज को एकत्रित करके चार बार सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। उनके वारिस हजारों करोड़ प्रॉपर्टी आज जब्त हो रही है, इस भय में वो नहीं हाथ उठाने का काम कर रहे हैं, काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों के जिम्मे ये काम जाता है। यदि नेतृत्व हमारा गुमराह हो जाए, विचलित हो जाए और बेईमान हो जाए तो हमको नेतृत्व बदल करके सही इंसान, नेक इंसान और अपनी लड़ाई को लड़ने वाले के साथ होना चाहिए। अगर आपने लड़ने वाले के साथ नहीं दिया तो आपकी नस्लें गुलाम हो जाएंगी, आपका अधिकार जो है छिन जाएगा। 314 ओबीसी के आईएएस ट्रेनिंग कराने के बाद उनको नौकरी नहीं दी, कुर्मी काची हेरगढ़िया तेली तमोली, 17,000 लोगों को मास्टर नहीं बनाया, 10,000 लोगों को डॉक्टर नहीं बनाया। ये कैसी भी संप्रदायियां हैं, सेल भेज दिया, रेल भेज दिया, ईवी और जो है रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, देश की प्रॉपर्टी संपत्ति सब बेची जा रही है, लेकिन लोग जो है शौक से देख रहे हैं, 5 किलो अनाज में जो है मस्त हो रहे हैं, धार्मिक उन्माद में मस्त हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि सपा की सरकार चली गई, यादव परेशान होगा, मुसलमान परेशान होगा, बसपा की चली गई जमात परेशान होगा। अरे इस देश का हर इंसान परेशान होगा, इसलिए हर इंसान कौमी एकता को बनाए रखने के लिए ईवीएम को हटाना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार सुरक्षित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार इस मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का और विक्रम सिंह एडवोकेट साहब का और वामन मेश्राम साहब का बहुत बहुत हृदय से की गहराइयों से नमन वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज इस पूरा जब कोहराम शांत है, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर पालटा जा रहा, हत्याएं की जा रही, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, तो आपके बीच में जो आवाज उठा रहा उसको साथ सहयोग दीजिए, उसके साथ खड़े होइए, नहीं तो आपकी जमीनें छिन जाएंगी, आपकी नौकरियां छिन जाएंगी, आपकी शिक्षा छिन जाएगी, और एक ऐसा दिन आ जाएगा जो बाजीराव पेशवा ने अपने साम्राज्य में 10 जिलों में महारों और पिछड़ों के गले में हांडी कमर में झाड़ू बंधवा दिया था, हमारी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। नागलेई नाम की केरल की महिला ने स्तन काट करके जो है रख दिया, तब जाके ये स्वाभिमान जो है आपको मिला है। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इससे लड़ना पड़ेगा और लड़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े जो है लड़ाई आप नहीं जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।